चले वही बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन के सैकड़ों प्रतिनिधियों और आम आदमी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, बेटियों की सुरक्षा के लिए भाजपा ने ही महिला थाना पूरे प्रदेश भर में खुलवाए हैं और देश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार पर मूलचंद शर्मा ने कहा, जल्द ही देश में फांसी का कानून भी एग्जीक्यूट होगा। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अटल पार्क का है, जहाँ राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन अधिकारियों के अलावा बल्लभगढ़ शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और योग भी किया। योगाचार्य जयपाल शास्त्री ने सभी को योग क्रियाएं करवाई और रोजाना योग करने की सलाह दी। बहुत बढ़िया, सभी यहां के अधिकारी, अपने SDM त्रिलोक जी, अपने डॉक्टर DCP साहब, सभी जिले के संवेदिका, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। सभी हर उससे क्षेत्र से लोग हैं और मैं अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा। बड़ा प्रोग्राम है, आप सभी राहगीर में शामिल हैं। सभी गणमान्य लोगों ने इसका लाभ उठाया है और राहगीरी आपस में भाईचारा है, हंसी मजाक है, तनाव कम होता है, एक मेलजोल दुख सुख बढ़ता है, आदमी सुबह उसका लाभ मिलता है। जो काम सालों में नहीं होता वो एक दिन में 2 घंटे में हो जाता है। पहली बार हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुझे सभी लोगों ने, सभी महकमे के लोगों ने सम्मान कराया और सभी अधिकारीगण यहाँ आए हैं, रोडवेज हो या दूसरे हैं। ये हमारी ऐतिहासिक राजा नहर सिंह की नगरी है। मैं सभी ने, सभी मंत्री बनने के बाद इनका भी धन्यवाद करा है। मंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों पर अत्याचार नहीं रुक रहे। देश में अलग अलग हिस्सों में लगभग घटनाएं सुनने को मिलती हैं। 2 दिन पहले भी बहुत बड़ी घटना घटी है, तो क्या कहना है, सरकार कब इंप्लीमेंट करेगी फांसी के कानून को? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन पानीपत से चालू करा था और उसके परिणाम देखिए, आज 1000 पे 900 के आसपास बेटियां हैं और जब आंकड़ा था 1000 पे 700 के आसपास आंकड़ा था। बात अत्याचार की है। आज अत्याचार में सभी प्रधानमंत्री थाने, महिलाओं के लिए थाने अलग होने हैं, उनकी सुनवाई अलग है, महिलाओं के लिए रिजर्व रखी है और इस तरह की जो भी घटना है उसकी ज्यादा से ज्यादा कानून का फांसी का सीधा सीधा आने वाले समय में उसका संशोधन करें। फांसी का प्रावधान किया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत केस पेंडिंग पड़े हैं। क्या सरकार में मंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 साल के इतिहास में 370 35 है, 3 तलाक, देश में सब कुछ कर दिया। ये तो बहुत छोटा सा काम है।